नहीं सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर रीड किया था क्लास फर्स्ट, यस मैम। हमने रीड किया था चैप्टर सेवन, तो कल जो हमने चैप्टर रीड किया था उसी के आगे से हम चैप्टर रीड कर रहे हैं। चैप्टर सेवन है आपका क्लेवर फ्रेड, ठीक है। टुडे वी विल रीड पेज नंबर, व्हाट इज द नेम, पेज नंबर 69। हमने यहां तक पढ़ा था टॉनी पाउंसेस ऑन फ्रेड, अ फैट फ्रॉग एंड कैचेस हिम। यहां तक हमने रीड किया था कल। कल जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनको ये ध्यान होना चाहिए कि हमने यहां तक रीड किया था, और सभी को ये वापस से रिपीट इन होमवर्क रीड करना था। होमवर्क में इसको रीड करना था, ये मैंने आपको वर्क दिया था होमवर्क में, है ना। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको लर्न करना है और इनसे इनको वापस से रीड करना है ताकि आपको अच्छे से रीडिंग आए। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। हमने यहां तक पढ़ा था टोनी पाउंसेस ऑन फ्रेड, अ फैट फ्रॉग एंड कैचेस हिम। क्या स्टोरी थी, हु विल टेल मी, क्या स्टोरी थी कल? कल हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो कौन बताएगा, हु विल टेल मी? आयांश बताएगा? टेल मी व्हाट इज द स्टोरी ऑफ टोनी एंड फ्रेड, जहां तक हमने रीड किया। सबसे पहले क्या था, टोनी को बहुत तेज भूख लगी थी। यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद में क्या किया टोनी ने, जब उसको भूख लगी तो वो कहाँ गया? पॉन्ड पे। नियर द पॉन्ड। सांची, यू डोंट नो सांची, कैन यू टेल मी वेयर डिड टोनी गो? हाँ, नियर पॉन्ड। पॉन्ड के पास में गया था। एंड व्हाट डिड ही सॉ सी देयर? फ्रॉग्स, मैनी फ्रॉग्स। नंबर क्या है ना, नियर द पॉन्ड उसने बहुत सारे फ्रॉग देखे, लेकिन उसने कौन से फ्रॉग पे जंप मारा? अ फैट फ्रॉग। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रॉग? फैट फ्रेड। फ्रेड और उसने टोनी कैचेस हिम, और उसको कैच कर लिया, इसीलिए फैट को पकड़ लिया था। ठीक है, अब इसके आगे हम रीड करते हैं। अब इसके आगे हम रीड करते हैं। जिन बच्चों ने कल जो स्टोरी नहीं पढ़ी थी वो ये जो है ये वाली स्टोरी ही आप जो स्कूल वाला यूट्यूब चैनल है उस पे जाके देख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिन बच्चों ने रीड नहीं की थी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, स्कूल वाला जो यूट्यूब चैनल है स्कूल के नाम से, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ओके, जिन बच्चों ने कल नहीं जाना। हाँ, माइक ऑफ, माइक ऑफ कीजिए। मैम, यूट्यूब के लिए क्या जाता है? मैम, माइक ऑफ कीजिए अपना। फ्रेड, अब फ्रेड बोल रहा है टोनी ने फैट फ्रॉग को कैच कर लिया है, पकड़ लिया है, तो फैट फ्रॉग का नेम क्या है? फ्रेड, एफ आर ई डी, फ्रेड। प्लीज फ्रेड क्या बोल रहा है, टोनी को बोल रहा है। फ्रेड किसको बोल रहा है? टोनी को। प्लीज मिस्टर टाइगर, मिस्टर टाइगर प्लीज वेट। एक्सक्यूज मी मैम। यस सांची। मैम मैंने ये पूरी पढ़ रखी है। यस, ये मुझे पता है आप सब लोगों ने पढ़ रखी है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिवीजन है और आप लोगों के लिए भी ये रिवीजन है, बिकॉज इट विल कम इन योर नेक्स्ट एग्जाम। दिस चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर विल कम इन योर नेक्स्ट एग्जाम, दैट्स व्हाई वी आर रिवाइजिंग इट। हम रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को। सो प्लीज वेट मिस्टर टाइगर, फ्रेड ने बोला कि प्लीज वेट।
वेट करो मिस्टर टाइगर, आई एम नॉट क्लीन, मैं कैसा हूँ? मैं क्लीन नहीं हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी डर्ट लगी है, आई हैव डर्ट ऑन मी, क्योंकि फ्रेड कहाँ पर था? पॉन्ड के अंदर था, और पॉन्ड के अंदर कीचड़ भी था। तो वो क्या बोल रहा है फैट फ्रॉग? टोनी है, टोनी को बोल रहा है फैट फ्रॉग कि टोनी मिस्टर टाइगर मेरे ऊपर बहुत सारी डर्ट लगी हुई है, बहुत सारी गंदगी लगी हुई है, डर्ट मीन्स गंदगी है ना। लेट मी वॉश माई सेल्फ, मुझे अपने आप को वॉश कर लेने दो, माई सेल्फ मतलब मुझे, वॉश मतलब धोना, अपने आप को वॉश कर लेने दो, देन यू कैन ईट मी, उसके बाद में आप मुझे खा लेना, कि अभी मैं बहुत गंदा हूं और मुझे अपने आप को क्लीन कर लेने दो, उसके बाद में आप मुझे खा सकते हो। तो टोनी कौन है? हु इज टोनी? टाइगर, 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 टोनी। अब टोनी बोल रहा है, टोनी से गो एंड वॉश, टोनी ने उसको परमिशन दे दी फैट फ्रॉग को, फ्रेड को, कि जाओ गो एंड वॉश योरसेल्फ, अपने आप को वॉश कर लो, वॉश योरसेल्फ, कम बैक सून, और जल्दी से वापस आ जाना, कम बैक सून, कम मतलब वापस से आना, ठीक है, कम बैक सून, जल्दी आ जाना, कम बैक सून, सून मतलब जल्दी से वापस आ जाना। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत भूखा हूँ, है ना? यस, आई एम हंग्री, हंग्री का मतलब सबको पता होना चाहिए, ठीक है? मैं भूखा, ये मतलब भूखा, भूखा, एक मत बेटे उसमें डाल दे, स्पीकर मत ऑन कर बेटे। Yes, Tony was hungry. Tony कैसा था? Hungry था। चल तू कैसा? भूखा। ठीक है? Yes. मैं भी पेस मम्मी को। Tony happy क्यों है? बताइए। मंदीप बोला। मैं मंदीप बोला। Yes, मंदीप। पेस नंबर को क्या है? आपने बहुत late join किया है। I'm sorry. Sorry ma'am. हाँ, आपको टाइम से ज्वाइन की करना है, जैसे ही आपको लिंक आती है इंग्लिश क्लास की वैसे आपको ज्वाइन करना होता है, आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है? मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 69, यस दिस इज पेज नंबर 69। आप देखिए टोनी इज हैप्पी, टोनी कौन है? टोनी इज अ टाइगर एंड उसको फूड मिल गया है, फूड कौन है? फ्रेड है ना, उसका फूड कौन है? टोनी का फूड क्या है? और आपको आपके मन पसंद का खाना मिल जाता है, हैप्पी होते हो कि नहीं होते हो? होते हैं ना, वैसे टोनी भी क्या हो गया, हैप्पी है क्योंकि उसको फूड मिल गया। He would like to eat a clean fat frog. क्योंकि वो क्या खाना चाहता था? जो clean frog उसको मिला है, उसको खाना चाहता था, और fat भी था, उसका ताजा fat frog था, जो कि उसको as a food मिला था, तो वो उसको खाना चाहता था, ठीक है? Now next page number 707. Fred jumps into the pond. जैसे ही टोनी ने फ्रेड को छोड़ा, वैसे ही फ्रेड कहां पर जंप कर गया? फ्रेड जंप्स पॉन्ड में, इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर फटाफट से कूद गया, है ना? एंड स्विम्स अवे, स्विम्स मतलब, स्विम्स मतलब स्विमिंग करना होता है ना, तैरना, और वो तैरना स्विम्स अवे, अवे मीन्स दूर जाना, ठीक है? स्विम करना मतलब तैरना, अवे मीन्स बहुत दूर चला गया, स्विम्स अवे।
फ्रेड, अब फ्रेड बोल रहा है, जब वो स्विम करके जा रहा है ना, तब वो फ्रेड बोल रहा है बाय मिस्टर टाइगर, क्योंकि फ्रेड क्या था, समझदार था, है ना, फ्रेड क्या था, समझदार था, उसने अपनी जान बचा ली, नहीं तो कौन खा जाता उसको, टोनी खा जाता, टोनी द टाइगर उसको खा लेता. थैंक यू फॉर लेटिंग मी गो. और फ्रेड टोनी को क्या बोलता है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जाने दिया. टोनी इज स्टिल वेटिंग फॉर फ्रेड टू कम बैक. और टोनी अभी भी उसका वेट कर रहा था, जबकि टोनी जो फ्रेड था वो तो स्विम करके बहुत दूर चला गया, लेकिन फिर भी टोनी उसका वेट कर रहा था कि वो अपनी जो उसकी बॉडी पे गंदगी लगी थी उसको वॉश करके जल्दी ही वापस आ जाएगा. डोंट यू थिंक फ्रेड वॉज क्लेवर. अब आपका क्या सोचना है ये बताइए कि फ्रेड कैसा था, क्लेवर, वापस चतुर, है ना, चतुर, फ्रेड बहुत चालाक था, हाँ चालाक था, और उसने अपनी लाइफ बचा ली, नहीं तो कौन क्या करता, टोनी क्या करता, उसको खा लेता, खा लेता उसको, टोनी उसको खा जाता, हाँ खा जाता, क्योंकि अगर टोनी अगर समझदारी से काम, फ्रेड जो है वो समझदारी से काम नहीं लेता, चालाकी से काम नहीं लेता, तो टोनी उसको खा लेता खाना समझ के, है ना, लेकिन उसने क्या बोला कि मेरे ऊपर बहुत गंदगी लगी हुई है, मुझे अपनी ये जो मेरी बॉडी पे गंदगी लगी हुई है इसको वॉश करके आने दो, उसके बाद में मुझे खा लेना, नहीं तो तुम्हारे टमी में भी क्या जाएगा, मेरी बॉडी के साथ गंदगी चली जाएगी, है ना. तो इसलिए टोनी ने सोचा चलो अच्छी बात है, अगर आपको साफ खाना मिलता है तो आप क्या बोलोगे, आपको तो साफ ही खाना चाहिए ना, गंदा खाना खा सकते हो आप, नो मैम, है ना. नो मैम. टोनी ने भी सोचा चलो अच्छा है मेरा खाना साफ आएगा तो मैं उसको खा के और भी टेस्टी लगेगा मुझे, तो इसलिए उसने जाने दिया, फ्रेड को जाने दिया. और फ्रेड ने क्या सोचा, अरे वाह मुझे तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, टोनी तो क्या है बेवकूफ है ना, कि उसने अपने खाने को छोड़ दिया. और फिर वो टोनी कैसा रह गया, वापस से हंग्री ही रह गया, है ना. हाँ टोनी, टोनी और फ्रेड की स्टोरी समझ में आई सबको. यस मैम. अब आपको बताओ कैसे था क्लेवर, फ्रेड कैसे था क्लेवर, बता सकते हैं ना आप. मैम क्योंकि उसने दिमाग लगाया था. हाँ क्योंकि उसने अपनी लाइफ सेव कर ली थी, फ्रेड ने अपनी लाइफ सेव कर ली थी, टाइगर का खाना बनने से बच गया था वो, है ना. ठीक है अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस, पता है ना हमने क्वेश्चंस पहले भी कर रखे हैं ये वाले, तो उसी को. मैम ये मैम ये क्वेश्चंस मेरे हो, हाँ बेटा हो रखे हैं ना, आपको रिवाइज करने, लर्न करने हैं इनको, आज हम रिवाइज करेंगे इनको और आप लोग लर्न करेंगे इसको. मैम कॉपी में भी लिखने हैं? नहीं कॉपी में नहीं लिखने हैं, ये बुक में ही मार्क करने हैं आपको, ये ही लर्न करना है. सर्कल बुक में से ही लर्न करना है आपको. ठीक है और आंसर दीस क्वेश्चन यू विल टेल मी. टोनी इज, टोनी इज टायर्ड, हंग्री, बताइए हंग्री, हंग्री, हंग्री को बोल करेंगे. ठीक है क्योंकि टोनी क्या था, टायर्ड नहीं था, हंग्री था, उसको भूख लगी थी. अच्छा ही वांट्स होम और फूड. अच्छा भूख लगी होती है तो उसको आपको खाना चाहिए होता है या घर चाहिए होता है, फूड चाहिए, वो भी भूख लगी थी तो उसको क्या चाहिए था, फूड, फूड. ये स्पेलिंग आपको लर्न करनी है बेटा. ठीक है स्पेलिंग लर्न करनी है आपको. तो उसको फूड की जरूरत थी. ही कम्स टू अ पॉन्ड और फील्ड.
कहाँ पे पॉन्ड? पॉन्ड पॉन्ड क्योंकि पॉन्ड पानी में जल्दी से कूद गया था। यस पॉन्ड पॉन्ड। अब देखिए मैं ये स्पेलिंग्स लिख रही हूँ ना, ये आप लोगों को लर्न करना है अच्छे से, ठीक है? हंग्री फूड पॉन्ड। नेक्स्ट इज ही कैचेस अ फिश और फ्रॉग, बताइए क्या फ्रॉग को कैच कर लिया, फ्रॉग को पकड़ लिया, पकड़ लिया। फ्रेड इज वेरी क्लेवर और क्लीन, बताइए फ्रेड कैसा था? क्लेवर और क्लीन। क्लीन था या क्लेवर था? क्लेवर क्लेवर। यस फ्रेड वाज अ क्लेवर फ्रॉग, ठीक है? तो आपको ये नेम भी याद करने हैं कि टोनी कौन था, हु वाज टोनी? टोनी वाज अ टाइगर। टाइगर एंड हु वाज फ्रेड? फ्रेड वाज अ फ्रॉग। फ्रॉग ओके। तो ये स्टोरी है हमारी टोनी और फ्रेड की, इट मींस टाइगर और फ्रॉग की, ओके? और ये क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिएगा, लर्न कीजिएगा अपनी बुक में से देख के, ओके? आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके? बाय बाय मैम, एवरीवन। बाय मैम, बाय मैम।